कल मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मैं बात कर रहा था। वो टोक्यो में रहते हैं, जापान में रहते हैं, और वो मेरे घर आए थे आज से करीब 2014 में, तो 7-8 साल हो गए होंगे। 2014 में जब वो घर आए तो मैंने एक छोटी टेक्निक अप्लाई कर रखी थी जो कि आज मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा, और ये मनी टेक्निक है। चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप बड़े हैं, आपके पास ये जीनी पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड आपके पास मौजूद है, और ये पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड रॉकेट बना सकता है, अंतरिक्षयान बना सकता है, सैटेलाइट बना सकता है, आपको चांद पर भेज सकता है, आपसे दुनिया से बड़े काम करवा सकता है। लेकिन आपने ही इसे झाड़ू लगाने में लगा रखा है, कपड़े धोने में लगा रखा है। हर महिला को मेरा संदेश है, देखिए कोई बुरी बात नहीं है घर का काम करना, आप करिए 100% करिए, लेकिन मैं कहूँगा 30,000, 50,000, 1,00,000 कमाने में दिमाग लगाइए, ताकि आप 10-10 हज़ार में 10 महिलाओं को काम दे सकें। आप ज़्यादा सफल हो पाओगे और आपका घर का काम भी कभी नहीं रुकेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये शेयरिंग इसलिए है क्योंकि आज दोपहर में ही मुझे किसी ने कहा कि यू नो आज इंफॉर्मेशन डाउनलोड है और हर एक इंसान के सामने हजारों गुना इंफॉर्मेशन आ रही है, टीवी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू, लोगों के थ्रू, एंड इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं जा रही है, वो दिल में नहीं उतर रही है, वो उनके जहन में नहीं उतर रही है, हजारों गुना इंफॉर्मेशन। बोल रहे थे आज भी कई युवाओं को तो अब अगर आप पूछ लो कि भैया राष्ट्रपति कौन है तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। कई युवा लोग प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्रेसिडेंट है अभी मुर्मू, क्या नाम है? कोई लीडर है बट नाम याद नहीं। प्रधानमंत्री जी का तो चेहरा हर जगह पे दिख रहा है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी का नाम हर आदमी ले दे, लेकिन राष्ट्रपति कौन है, कौन कहाँ, मतलब छोटी छोटी चीजें, बड़ी सारी चीजें आदमी नहीं बता पाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, सुनने को तो बहुत मिल रहा है लेकिन जिंदगी के अंदर उतर नहीं रही है। ऐसे ही जिंदगी कैसे बदलें, इस चीज़ को सुनने के लिए तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। आज हर आदमी ना रोज रात को सोने से पहले, कई आदमी, मैं तो रोज मोटिवेशन की वीडियो देखते हो, अरे मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, मोटिवेटेड रहते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं लाइफ में। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से शुरू करता हूँ दोस्तों। सीधी सी बात है, रिजल्ट आपकी जिंदगी में आए तो रिजल्ट आएगा तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। रिजल्ट इक्वल्स टू रिस्पेक्ट। कई बार कुछ लोग मेरे साथ आते हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स में जुड़ती हैं, बोलती है सर आपने कहा रिजल्ट इक्वल्स टू रिस्पेक्ट, लेकिन हमें तो रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता सर? क्यों, हम तो पूरा घर दिन भर काम करते हैं, खाना भी बनाते हैं, सबके लिए खाना बनाते हैं, तो ये तो रिजल्ट ही हुआ ना सर। हम मेहनत करते हैं, जिसको 1 बजे लंच चाहिए उसे 1 बजे मिल जाता है, जिसको 10 बजे लंच चाहिए और डिनर चाहिए उसको 10 बजे डिनर मिल जाता है, बीच में भी 3-4 बार चाय कॉफ़ी चाहिए उनको चाय कॉफ़ी मिल जाती है, कपड़े धोने का बात है तो हर आदमी को घर में बाकी के सभी मेंबर्स को कपड़े भी टाइम पे मिल जाते हैं, साफ सफाई भी टाइम पे मिल जाती है, कोई गेस्ट आता है तो उसको भी। तो सर हम तो रिजल्ट ही रिजल्ट लाते हैं, फिर हमें रिस्पेक्ट उतना क्यों नहीं मिलता है? तो यहां पे दो चीजों के ऊपर बात करूंगा। एक तो पहली चीज, रिस्पेक्ट उसे ही मिलेगा जो रिजल्ट लाएगा, पहली चीज। लेकिन रिजल्ट हम उस चीज को कंसिडर ही नहीं करते जो लाखों लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके, पड़ोस के घर में भी एक हाउसवाइफ दिन रात वही काम कर रही है और आप भी वही काम कर रहे हैं, और वैसा काम करने वाले जिंदगी भर में, जीवन भर में, दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग हैं। 800 करोड़ लोगों में से मान लेते हैं 400 करोड़ अगर महिलाएं हैं, और 400 करोड़ महिलाओं में से 390 करोड़ या 395 करोड़ महिलाएं अगर सेम चीज कर रही है तो वो रिजल्ट में काउंट नहीं होगा। आप कहोगे क्यों, रिजल्ट तो है। दोस्तों रिजल्ट इक्वल्स टू रिस्पेक्ट, ऐसे तो हर आदमी रिजल्ट ला रहा है, हर आदमी नौकरी कर रहा है, हर आदमी पैसा कमा रहा है, हर आदमी यू नो बाकी के 400 करोड़ लोग भी जो है उनमें बच्चों को हटा भी दे तो भी हर बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी रिजल्ट होना चाहिए, फिर तो हर चीज़ रिजल्ट काउंट होगी। सो रिजल्ट इक्वल्स टू रिस्पेक्ट मीन्स एनीथिंग जो पब्लिक की नज़र में रिजल्ट है। आपके हस्बैंड की नज़र में रिजल्ट क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी यू नो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जब मेरी वाइफ आर्टिस्ट है, ओके शी प्लेज सितार, मुझे जब भी वो सितार प्ले करती है आई लव हर इवन मोर, आई रियली एडमायर हर इवन मोर। ओके, वो कहती है यार बाकी के काम करती हूँ तो आप इतनी तारीफ क्यों नहीं करते हो जितनी ये सितार के टाइम पे करते हो। आई डोंट नो, फॉर मी इट माइट बी अ रिजल्ट। ओके,
और ऐसे ही मैं दिन भर घर में ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ तो शायद मुझे तारीफ नहीं मिलेगी, बट इफ़ आई एम डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर हर, फॉर माई किड, फॉर एनी बडी इन द सोसाइटी, शी अप्रिशिएट्स. जब मैं इस तरह की टॉक डिलीवर करता हूँ और आप लोगों के इतने प्यार भरे कमेंट्स आते हैं तो शी अप्रिशिएट्स. ओके, तो सेम है हम सभी का. हम सभी चाहते तो कुछ हैं. वी ऑल वॉन्ट रिस्पेक्ट, वी ऑल वॉन्ट, हम में से हर लोग, वी ऑल वॉन्ट रिस्पेक्ट. हम में से हर एक आदमी को बहुत रिस्पेक्ट चाहिए, बहुत सिक्योरिटी चाहिए. मैंने बताया ना, फाइव ह्यूमन नीड्स, रिस्पेक्ट यानी सिग्निफिकेंस. हम में से हर एक इंसान को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए. हमें क्या चाहिए? हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए अपनी लाइफ में. हमें चाहिए वैरायटी चाहिए. लोग हमें अलग अलग तरह से ट्रीट करें, हमें बुके दें, गिफ्ट दें, ये करें, वो करें. वी ऑल वॉन्ट दैट. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग रिजल्ट पे उतना काम नहीं कर रहे. दोस्तों, आप ये विद्या मुझसे सीख रहे हैं और ये विद्या है, मुझे जब मिली ना मेरे गुरु के द्वारा, मुझे भी एक दिन एक्सीडेंटली मिली. मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं गया था उनके पास और मैंने कहा भैया मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाओ, मुझे माइंड कैसे काम करता है सिखाओ. मुझे नहीं पता था. एक्सीडेंटली जैसे आपके पास आ रही है वैसे ही एक्सीडेंटली मेरे पास आई. दोस्तों, बस मुझे जब ये मिली तो मैंने इसे पकड़ लिया. पता नहीं कैसे पकड़ लिया, मैं कोई कॉन्शियसली नहीं पकड़ा, इसने मुझे पकड़ लिया शायद, आई डोंट नो. तो कहते हैं पहले आपको आदत को पकड़ना पड़ता है, फिर आदत आपको पकड़ लेती है. पहले आपको आदत को पकड़ना होता है, फिर आदत आपको जीवन भर के लिए पकड़ लेती है. अब आदत के बारे में मैंने एक बार और कहा था, अगर जानबूझ के आपने अच्छी आदतें नहीं डाली तो अनजाने में बुरी आदतें अपने आप पड़ रही है और फिर वो बुरी आदतें आपको जिंदगी भर के लिए पकड़ रही है. जानबूझ के अगर आपने वर्ल्ड क्लास आदतें नहीं डाली तो ऑर्डिनरी आदतें अपने आप पड़ रही हैं. और पहले आप आदत को पकड़ रहे हो, फिर आदत आपको जीवन भर के लिए पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, फिर छोड़ती नहीं है. तो जानबूझ के हमें कुछ शिफ्ट करना होगा और स्पेशली रिजल्ट के लेवल पे. यू नो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप तभी इंजॉय कर पाएंगे जब आप इससे रिजल्ट ला रहे हो. और रिजल्ट लाने का प्रोसेस में सबसे बड़ा पार्ट है सरेंडर का पार्ट. क्या है? रिजल्ट लाने के लिए यू नीड टू सरेंडर. सरेंडर. लॉजिक से नहीं चलेगा ये दिमाग. अरे लॉजिकल है, एक काम करते हैं, बीएसआर सर ने कहा है कि हम इस चीज़ को है ना अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, अपन ला के देखते हैं. तीन दिन हमने किया, तीन दिन तो सर हमने पूरे गोल वोल लिखे, सब कुछ लिखे, अभी तो आई नहीं रहा सर रिजल्ट. चार दिन हो गए सर रिजल्ट नहीं आया, दस दिन हो गए रिजल्ट नहीं आया, 25 दिन हो गए रिजल्ट नहीं आया. कल मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मैं बात कर रहा था, वो टोक्यो में रहते हैं, जापान में रहते हैं, और वो मेरे घर आए थे आज से करीब 2014 में, तो 7-8 साल हो गए होंगे. 2014 में जब वो घर आए तो मैंने एक छोटी टेक्निक अप्लाई कर रखी थी जो कि आज मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा, और ये मनी टेक्निक है. तो वो मेरे घर आए करीब 2014 में और सीक्रेटली उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की मेरे घर में. क्या ऑब्जर्व की? कि मेरे बेडरूम में ना एक चेक लगा हुआ था, ऐसे पूरा चेक लगा हुआ था, और वो चेक था 50 लाख रुपए का, है ना, 2014 में 50 लाख. तो मैंने यहाँ डाल रखा था 50 लाख रुपए, ठीक है, पेड टू भूपेंद्र सिंह राठौर, मेरा नाम, ऑलराइट, भूपेंद्र सिंह राठौर. उस पर डेट डली हुई थी, डेट मैंने डाल रखी थी, उस समय 2014 था तो 2015 की या 2016 की कोई डेट डाल रखी थी, ठीक है. और नीचे वर्ड्स में लिख रखा था 50 लाख रुपीज़ ओनली. फिर मैंने अपना यहाँ साइन कर रखा था पूरा. तो उन्होंने ये चेक मेरे बेडरूम में टिका हुआ देखा, क्रॉस्ड वाला था. वो बड़े इंस्पायर्ड हुए कि अरे क्या बात है, 50 लाख रुपये का आ जाएगा, मतलब 50 लाख आ जाएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे. खैर, उस समय 50 लाख मेरे लिए बड़ा अमाउंट था, बट ये चेक मैंने लगा रखा था. और जब मैंने ये चेक लगा रखा था, कल रात को हमारी बात हुई, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई. कल उन्होंने ना एक चेक लगा रखा था 50 करोड़ रुपए का. ही इज़ अ वेरी बिग शॉट, बहुत बड़ी कंपनी में, टोक्यो में है. आज उनका सालाना पैकेज ही 5 करोड़ रुपए के ऊपर का है, 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उनका सैलरी पैकेज है. तो ऐसे पर्सन से हम बात कर रहे थे और कल शाम को उन्होंने मुझे वो चेक बताया 50 करोड़ रुपए का. भूपेंद्र, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ. और उन्होंने तुरंत वो चेक लेमिनेटेड करके ये एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में मुझे दिखाया. तो टेक्निक ये है कि आपको जितना पैसा चाहिए उतने पैसे का एक चेक बना दो, अर्न आपके नाम पे, एंड साइन आप खुद कर दो या किसी और से करवा लो, आपकी वाइफ से करवा लो, यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसके साइन है, या डॉक्टर जैसे साइन आप कर दो, उस पर 50 लाख रुपए डाल दो, डेट डाल दो, अपना नाम लिख दो और अपने बेडरूम में चिपका दो. टेक्निक नंबर 1 आज की, ये टेक्निक है आज की.
ये टेक्निक कर दो, लेकिन इसे करना किस भाव से? सरेंडर भाव से। स्पोर्ट्स पर्सन को उनके कोच ने क्या कहा? भैया तू, तेरे को सुबह 4 बजे उठना है और जिम जाना है, वो जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन को उसके कोच ने कहा, भैया तू तेल तली हुई चीज़ें नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन को उनके कोच ने कहा, तुझे 10 घंटे तक 10 राउंड ग्राउंड के चक्कर लगाने, लगा देता है। यू नो, एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह जो कोच को सरेंडर कर रखा है। अब उन्होंने मुझे ये चेक बताया, और वो कह रहे हैं, यार भूपेंद्र, है ना, जब से मैंने ये चेक बनाया ना, मैं तुझे शेयर करना चाहूँगा। पता नहीं, मैं इतने दिन तो नहीं मानता था इन चीज़ों में, तू बात करता था लेकिन मैं थोड़ा मजाक उड़ाता था तेरा पीछे से, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अभी मानने लगा हूँ। और पिछले मैंने इस चेक को बनाया होगा 1 महीने पहले के आसपास, और इस 1 महीने में मैंने अपना फोकस डिफरेंट पाया है, मेरा काम करने का तरीका। बोले मैं कभी बिजनेस की नहीं सोचता था, अभी मैं बिजनेस की तरह सोचने लगा हूँ, अभी कुछ अलग इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ। बोले लेकिन फिर भी एक बार को ना डाउट आता है अभी बार बार, यार मैं तो जॉब में हूँ, ये 50 करोड़ आएगा कैसे? जॉब में तो मेरा फिक्स है और फिक्स के हिसाब से मेरे पास जो आता है उसमें से इतना खर्चा होता है, इतना बचता है, इतना बच के भी इतना नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या क्या होगा? कभी कभी डाउट आता है। मैंने उन्हें फिर से बताया, मैंने कहा प्ले इट लाइक अ गेम, इट्स अ गेम, आपने ये चेक लगाना है, इस चेक के सामने रोज जाना है, एन आंखें बंद करके मैंने आपको विजुअलाइजेशन की टेक्निक बनाई है, मुद्रा लगानी है, हाय हाय 50 करोड़ का चेक आ गया, हुर्रे। उन्होंने कहा मैं ना ऐसा विजुअलाइज करता हूँ कि मैं टोक्यो से इंडिया आ रहा हूँ और मैं बैंक में जा रहा हूँ और वो चेक जमा करा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं करना है, आपको विजुअलाइज करना है आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं एंड आप बहुत खुश हैं, दैट्स इट, आपको चेक देखना है, यू जस्ट नीड टू इन्जॉय दैट 50 करोड़ रुपीज़ की 50 करोड़ आने के बाद क्या क्या करोगे। मैंने कहा आपको सिर्फ वो देखना है, आपको सिर्फ चेक बनाना है, लगाना है, उसके सामने जाना है, इन्जॉय करना है, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये चेक क्रेडिट नहीं हुआ तो हुआ या नहीं हुआ, वो यूनिवर्स का गेम है, वो हमारा गेम नहीं है। हमारा गेम क्या है? ऑर्डर देना। एक बात बताइए, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, समझिए, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने ऑर्डर कर दिया मसाला डोसा, उसके बाद क्या आप चिंता करते हो कैसे आएगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे ठीक नहीं बना तो, ऐसी चिंता करते हो? नहीं, आप क्या करते हो, ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद आप अपने मोबाइल पे लग जाते हो, किसी से बात करने लग जाते हो, कुछ सोचने लग जाते हो, कुछ बाहर देखने लग जाते हो, बट आप उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि यार ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, इज दैट ट्रू और नॉट? सो ऑर्डर डिलीवर होना या नहीं होना, ये रेस्टोरेंट का हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है। हम तो ये यूनिवर्स का बच्चे हैं, छोटे बच्चे की तरह, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, अब पापा के पास पैसे हैं नहीं है, पापा बड़ी चॉकलेट दिलाएंगे, छोटी चॉकलेट दिलाएंगे, सेम चॉकलेट 2 महीने बाद दिलाएंगे, 2 साल बाद दिलाएंगे, ये पापा की टेंशन है, लेकिन मिलेगी ज़रूर, हमें अपने पापा के ऊपर ये भरोसा हो। ऐसे ही ये यूनिवर्स जो है, ये हमारा फादर मान लीजिए, ही इज़ अ ग्रैंड फादर मान लीजिए, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर मान लीजिए, ये कॉस्मोस है, एनर्जी है, बहुत बड़ी वाली एनर्जी है। तो दोस्तों, रिजल्ट लाने के लिए ना सरेंडर करना पड़ता है। सो सरेंडर कीजिए, सरेंडर भाव से इन चीज़ों को कीजिए। यू नो, इसे बना लो अपनी गीता, बना लो इसे अपनी रामायण, एंड बार 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 देखो और इसमें विश्वास करो। तो मैं उनको यही कह रहा था, मैंने कहा आपका काम नहीं है कि चेक क्रेडिट होगा या नहीं होगा, आपको नहीं सोचना है वो, आपको तो सिर्फ एक ही बात सोचनी है, मुझे यूनिवर्स ने कहा है खेलो, मैं खेलूंगा। और राइट, क्या कहा है BSR ने? चेक बनाओ, लगा दो। BSR का पूरा हुआ? मैंने कहा बिल्कुल पूरा हुआ साहब, एक बार नहीं, एक बार तो हमने 10 करोड़ का लगाया, 10 करोड़ हो गया साल भर के अंदर। और राइट, और अब हम 100 करोड़ मैनिफेस्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो 100 करोड़ भी हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आप सभी को बताते हुए खुश हो रहा हूँ, मतलब प्राउड फील करता हूँ कि हाँ, वैल्यूएशन वाइज तो 100 करोड़ मेरा आज है, इसी समय है। जैसे ब्रेनी वुड मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, ब्रेनी वुड ही हमारी 100 करोड़ की कंपनी है, नाम आया मैं पार्टनर इन दैट, ओके, 100 करोड़ के वैल्यूएशन का तो कंपनी ब्रेनी वुड है। मेरा थिंक रिच इंडिया, वो भी अगेन 100 करोड़ के वैल्यूएशन का कंपनी होगा। मेरी खुद की पर्सनल ब्रांड की वैल्यू होगी 150 करोड़ रुपए की। वो बात अलग है कि हमें आज, मैं एक दिन का अगर 5 लाख रुपए लेता हूँ और आज 365 दिन है, तो आप देख लीजिए, हालांकि हर रोज़ मुझे, मैं नहीं कर पाऊँगा वो काम, हर रोज़ मैं उतना नहीं बात कर पाऊँगा, लेकिन ये फैक्ट ऑफ लाइफ है कि आज की डेट में वैल्यूएशन की बात करें तो 500 करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन होगा। लेकिन हाँ, 100 करोड़ एग्जैक्ट 100 करोड़ चाहिए तो टर्नओवर वाइज अगर हम देखें तो 30-35 करोड़ रुपए के आसपास है हमारी सारी कंपनीज मिला के। सो बहुत जल्द ये 300 करोड़ होगी, 500 करोड़ होगी। लेकिन देखिए, सब चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ
होते जा रही हैं, सरेंडर भाव से करिए। चलिए शुरू करें सेकंड टेक्निक के ऊपर। पहली टेक्निक मैं आपको दे चुका हूं, दूसरी टेक्निक तो आपका दिल गार्डन कर देगी। क्या कर देगी? दिल गार्डन कर देगी, मतलब दिल भाग भाग हो जाएगा आपका। दूसरी टेक्निक सुन के बहुत ही जबरदस्त है, अमेजिंग है, इनक्रेडिबल है, ऑसम है। ओके, बट पहली टेक्निक, चेक बनाइए। ओके, जितना पैसे चाहिए उतने पैसे का चेक बनाइए। अब पहले मैं आपको इस चेक वाली टेक्निक को क्लैरिफाई कर दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। चेक बनाइए, अपने बेडरूम में लगा दीजिए, अपने वार्डरोब में लगा सकते हैं अगर बेडरूम में प्रॉब्लम है तो, अगर वो भी प्रॉब्लम है तो आप अपने लैपटॉप पे लगा सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं, अपनी वर्किंग डेस्क पे लगा सकते हैं, और जहां चाहे आप लगा सकते हैं, जहां पे आपको ये रोज दिख सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने 5 करोड़ रुपए का चेक लिखा तो 5 करोड़ आपके अकाउंट में कैश आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, हो सकता है आपकी कोई एसेट है, ऑल ऑफ अ सडन वो बढ़ जाए। हो सकता है आपके पास कोई ऐसी एसेट खरीदने का अपॉर्चुनिटी आए जो अभी आपके पास है तो नहीं, लेकिन अगले 5 सालों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये पॉसिबिलिटी है, या अगले 2 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। या फिर आपको एक बिजनेस आइडिया आ सकता है जो कि 5 करोड़ रुपये अगले 2-3 सालों में, 1 साल में, 5 साल में आपको दे सकता है। या फिर आपको अनएक्सपेक्टेड कोई लॉटरी वगैरह लग सकती है, और कुछ भी नहीं हुआ तो ये हो सकता है कि आपने गोल्ड या कुछ भी आपकी घर में है उनकी अनएक्सपेक्टेड इनकम बढ़ जाए। सो समथिंग लाइक दिस विल हैपन। जैसे मैं भी जब ये सब चीज़ें कर रहा था और जब मैं अपने चेक्स वगैरह लगा रहा था, मेरे पास भी लिमिटेड इनकम सोर्स थे। मैं भी या तो जॉब में था या जॉब से निकला था तो भी 10-20 हज़ार रुपये कमाते थे, कभी 40 हज़ार कमाते थे। तो कोई ऐसा पता नहीं था कि 50 लाख कहाँ से आएंगे, 5 करोड़ कहाँ से आएंगे। बट कभी कभी छप्पर फट जाता है, कभी कभी आप अनएक्सपेक्टेडली लकी हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, देखिए हार्डवर्क अलोन कैन नॉट गारंटी योर सक्सेस। हार्डवर्क करना है, आई एम नॉट सेइंग कि हार्डवर्क को रोक दीजिए, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ अगर आपका ब्रेन वेव्स पूरे वर्ल्ड की, ब्रह्मांड की साथ हो गई ना, तो ज़्यादा काम करेगी आपके साथ। एंड एक और चीज़, आपके लिए हार्डवर्क मतलब क्या? आपके लिए हार्डवर्क मतलब फिजिकल वर्क? यूनिवर्स को समझ में नहीं आता फिजिकल वर्क हार्डवर्क है या नहीं है। यूनिवर्स को तो एक चीज़ से समझ में आता है, वर्क। उसको हार्ड या सॉफ्ट वर्क नहीं समझ में आता, उसको तो एक ही चीज़ समझ में आती है, वर्क वर्क वर्क। तो अगर मैं दिन भर सोच रहा हूँ और प्लानिंग कर रहा हूँ तो वो भी वर्क है। ओके, अगर मैं लोगों के साथ बैठ के आराम से किसी कैफे में कॉफ़ी पीते हुए 100-200-500 करोड़ की चर्चा कर रहा हूँ, वो भी वर्क है। अगर मैं बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ और 100-500 करोड़ रुपए के ऊपर दिमाग लगा रहा हूँ, वो भी वर्क है। अगर मैं हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी चेंज करने के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, वो भी वर्क है। सो आपकी वर्क और हार्डवर्क की डेफिनेशन और यूनिवर्स की वर्क एंड हार्डवर्क की डेफिनेशन में बहुत फ़र्क है। यूनिवर्स कह दो, सबकॉन्शियस माइंड कह दो, एनर्जी कह दो। ओके, क्योंकि एनर्जी के फील्ड में तो इनफैक्ट बताऊँ आपको, अगर आप देखो तो एक ऑफिस में CEO है, उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और सबसे नीचे है कौन? वर्कर्स। अब मुझे ये बताइए, सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे कम पैसा कौन कमाता है? वर्कर्स। ऑलराइट, अच्छा, सबसे ज़्यादा हार्डवर्क कौन करता है? वर्कर्स। सबसे कम हार्डवर्क कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिजिकल हार्डवर्क जिसकी बात कर रहे हैं हम। लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे कम दिमाग कौन चलाता है? वर्कर्स। तो यूनिवर्स क्या कहता है? हार्डवर्क डज नॉट मीन फिजिकल वर्क। हार्डवर्क क्यों चाहिए? हार्डवर्क यूनिवर्स कहता है, लेट्स हैव अ थिंकिंग वर्क, ब्रेन वर्क, थॉट वर्क। सो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना है, लेकिन हाँ 23 घंटे, मतलब अगर आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे में से 6 घंटे आप सो जाइए, बाकी के जो घंटे बचते हैं वो घंटे आपको इस तरह से बिताने हैं कि आपका काम सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में हो। एक रथ में अगर 5 घोड़े जुते हैं, वो 5ों अगर एक डायरेक्शन में भागेंगे तो ही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। आपका क्या होता है, एक घोड़ा तो पीछे की तरफ भागता है, बोले नहीं पास्ट में यार ऐसा हुआ था और अभी भी ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो चिंता में भाग रहा है। एक घोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ भाग रहा है, एक घोड़ा इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, एक रुका हुआ है। नाउ बहुत ही मुश्किल से आप आगे बढ़ पाते हो, या कई लोग तो पीछे चले जाते हैं आगे जाने के बजाय। तो हार्डवर्क करने का मतलब यह है कि वर्क स्मार्ट, वर्क विद योर ब्रेन। आर ब्रेन के, मैं जो कर रहा हूँ वो हार्डवर्क नहीं है। फिजिकली हार्डवर्क क्या होता है? मैं तो ब्रेन वर्क कर रहा हूँ ना, और सारे ब्रेन वर्क वाले आगे बढ़ेंगे।
सो मेक श्योर दैट यू ब्रेन वर्क, मेक श्योर दैट आप अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करें, मेक श्योर दैट आप अपनी कॉमन सेंस को एक्सपैंड करें, आप अपनी स्मार्टनेस को एक्सपैंड करें, आप अपनी विजुअलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाएं, आप अपनी अपनी ब्रेन एनर्जी को बढ़ाएं, आप ज़्यादा बुक्स पढ़ने से बढ़ेगी, ज़्यादा वीडियोज़ देखने से बढ़ेगी, हम जैसे ट्रेनर से मिलने से बढ़ेगी, नई जगह पर जाने से बढ़ेगी। जब मैं ताज होटल में पहली बार जाके रुका, 40,000 रुपये का कमरा लिया तो थोड़ा सा महंगा लगा, लेकिन जब रुके और वहाँ जाते ही ऐसा समझ में आया कि यार मैं तो एक रात के लिए इस एक कमरे में रुक के इतना खुश हो रहा हूँ, लेकिन देर आर पीपल जिन्होंने ऐसी एक नहीं 100 होटल्स बना दी, 1,000 होटल्स बना दी, यार तो अपने को इतने से मैं खुश क्यों होना है, अपन भी कम से कम एक होटल तो ऐसी मरने से पहले बना के जाए। मतलब थॉट जो था कि एक रात ताज में रुक गया, ओ बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, वो थॉट इतना छोटा लगा इमीजिएटली कि अब तो लगा कि ऐसी होटल हम बनाएं और ऐसी होटल हम बनाएं और जिसमें हम एक रात का कभी किसी से 40,000 रुपये चार्ज कर पाएं और फिर हमें जितने दिन रुकना उतने दिन हम रुके इसमें। आई मीन देखिए बड़ा थॉट चाहिए और बड़ा थॉट, ये ब्रेन चला तो अब उस होटल में रुक के मैं कभी खुश नहीं हूँगा। फिर तो मेरी खुशी थी कि यार मेरी टीम को और मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं प्रीमियम कस्टमर उनको रुकवाऊं, तो हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं MIA करके, मिलियनेयर इन एक्शन, उसमें 5-3 दिन के रेजिडेंशियल रिट्रीट होते हैं जो कि हम अच्छी होटल में करते हैं, डिसेंट होटल में करते हैं, जहां हमारा करीब 100 लोगों को ले जाने का 15 लाख रुपये के 20 लाख रुपये के आसपास का खर्चा आता है। हमने सीधा ताज होटल में कर दिया, वो 65 लाख रुपये खर्च कर दिए अपने कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि ये मुझे लगा कि अभी मुझे देना है ज़्यादा लोगों को। And this is where the magic begins. So thoughts के level पे work करना है, brain को इस्तेमाल करना है, brain को दौड़ाइए, उसको बड़ा सोचने पे लगाइए, उसको बड़ा सोचने पे लगाइए। अगर वो 10 करोड़ की सोच रहा है तो उसे पूछिए 10 की क्यों भाई, 100 की तो सोच यार, 100 की सोचने में क्या प्रॉब्लम है, 100 की सोच, 100 आ गए तो कैसा होगा उसको बताइए, 100 आने के बाद कैसा होगा, 200 आने के बाद कैसा होगा। वो अगर सोच रहा है कि मुझे लोगों को रोजगार देना है और आप सोच रहे हो 10 लोगों को रोजगार देना है, तो उसको बोलो 10 क्यों यार, 20 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं, 150। फिर आपका दूसरा माइंड कहता है यार ये इम्प्रैक्टिकल है आपके लिए, यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्प्रैक्टिकल नहीं है। यूनिवर्स के लिए 10,000 क्या आप कहो ना पूरे 800 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, वो भी इम्प्रैक्टिकल नहीं है यूनिवर्स के लिए। एक बन जाइए। प्रॉब्लम पता है क्या है, ये बॉटल है, पानी है इसमें, ये पानी, ये बॉटल को मैं अगर कॉर्क बंद कर दूं और फिर उसके बाद इसको समुद्र में डाल दूं, तो पता है समुद्र अलग और ये पानी अलग, ये बॉटल अलग, ये पानी को घमंड रहेगा क्या, मुझे ही मेरी लड़ाई लड़नी है, मैं हूँ शुद्ध पानी, ये है गंदा पानी। लेकिन ताकत किस में ज़्यादा है, पूरे समुद्र में। इसको कितना भी घमंड हो जाए ये समुद्र की लहरों के हिसाब से इधर जाएगा जुप, इधर जाएगा जुप, एंड इस पानी में कभी भी वो ताकत नहीं आएगी जो समुद्र में है। बस ज़रूरत है तो क्या, इसको ये ढक्कन खोल के समुद्र में मिलाने की। अब ये बॉटल का पानी और समुद्र का पानी एक हो गया। अब इस पानी को समुद्र से कोई अलग नहीं कर सकता और ये पानी में सेम ताकत आ गई जो समुद्र के अंदर ताकत है। ये ताकत के साथ मिल गया, अब ये बड़ी ताकत के साथ मिल गया, और बड़ी ताकत के साथ मिल गया तो इसमें भी वही ताकत आ गई सुनामी लाने की। ये कहता है ये समुद्र आज सुनामी लानी है, तो पूरा का पूरा समुद्र इसके साथ हो लेगा, या ये समुद्र के साथ हो लेगा, सुनामी ला देगा, ये चाहे जो कर देगा, बड़े बड़े जहाज़ों को डुबा देगा या तिरा देगा, इसमें इतनी पावर आ जाएगी। दोस्तों आप और मैं भी अभी इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड जैसे समुद्र में बैठे हैं जहाँ पूरी एनर्जी है, बस प्रॉब्लम यह है कि हमने अपना ढक्कन लगा रखा है और हम कहते हैं ब्रह्मांड की एनर्जी अलग, मेरी एनर्जी अलग, मेरे लिए तो 10 करोड़ भी डिफ़िकल्ट है। ब्रह्मांड कहता है भाई इतना छोटा क्यों सोच रहा है, मेरे लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, एक बार ढक्कन खोल तो सही और मेरे साथ मिल तो जा। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं तू क्यों लोड लेता है भाई, मेरे द्वार पे आके तो देख तेरे भंडार ना खोल दूँ तो कहना, मेरे द्वार पे आके तो देख तेरे भंडार ना खोल दूँ तो क्या कहना। यह है पावर परमात्मा की, अनलिमिटेड पावर है दोस्तों, और हम अपने आप को छोटा समझ लेते हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है। हमारी समस्याएं छोटी समस्याएं हैं, हमारी समस्याओं का कोई वजूद ही नहीं है। मैंने आपको एक बार फिर से बताया था पहले कि अगर इस सबकॉन्शियस माइंड को, मान लीजिए मेरे पास दुनिया का सबसे पावरफुल जिनी है और उसको मैं कहता हूँ चल तू झाड़ू लगा, वो जिनी झाड़ू लगा रहा है, फिर उसको बोलूँ चल तू टेबल साफ़ कर और वो जिनी टेबल साफ़ कर रहा है, फिर मैं उस जिनी को बोलूँ भाई देख सुन तू है ना अभी खाना बना मेरे लिए, जिनी ने खाना बनाया, जिनी भी कहता होगा साला क्या छोटा छोटा मेरे को बोलना यार अंतरिक्षयान बना, मैं अंतरिक्षयान बना दूँ, तू खाना बनाने के लिए मेरा टाइम वेस्ट करवा रहा है। लेकिन आपने
पहले जिंदगी के 25 साल उस जिनी से सिर्फ रोटी बनवाई, खाना बनवाया या झाड़ू लगवाई, तो वो जिनी भी जिंदगी भर के लिए बालसी हो गया। अब उसको बोलो रॉकेट बना, उसके अंदर ताकत तो है, वो बोलेगा यार 25 साल से तेरा काम चल रहा है ना इस रोटी से खाने से, क्यों मेरे को दूसरे काम में लगवा रहा है ना। यही जिनी कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप बड़े हैं, आपके पास ये जिनी पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड आपके पास मौजूद है। और ये पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड रॉकेट बना सकता है, अंतरिक्षयान बना सकता है, सैटेलाइट बना सकता है, आपको चांद पर भेज सकता है, आपसे दुनिया से बड़े काम करवा सकता है। लेकिन आपने ही इसे झाड़ू लगाने में लगा रखा है, कपड़े धोने में लगा रखा है। हर महिला को मेरा संदेश है, देखिए कोई बुरी बात नहीं है घर का काम करना, आप करिए 100% करिए, लेकिन मैं कहूँगा 30,000 50,000 1,00,000 कमाने में दिमाग लगाइए, ताकि आप 10,000 में 10 महिलाओं को काम दे सकें। आप ज़्यादा सफल हो पाओगे और आपका घर का काम भी कभी नहीं रुकेगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप अपने बारे में कैसा सोचते हो, आपने अगर अपनी सेल्फ इमेज देख ली कि मैं घरेलू महिला हूँ, तो आप ज़िंदगी भर घरेलू महिला रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी सेल्फ इमेज देख ली कि मैं 10 घरेलू महिलाओं को सपोर्ट कर सकती हूँ, तो आप धीरे धीरे एक लिज्जत पापड़ जैसा बड़ा उद्योग खड़ा कर सकती है। आप सिंधुताई सपकाल बन सकती है जो हज़ारों लोगों को गोद ले सकती है, और आपके अंदर भी वो पोटेंशियल। अपने जिनी को अलाउ कीजिए बड़ा काम करने के लिए, और हर एक पुरुष से भी ये ही विनती है।